देखो वी आर टिपिकली टॉकिंग अबाउट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो दो चीजें हमें याद रहनी चाहिए, एक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में डिफरेंस है। इसके शॉर्ट पॉइंट्स जो आप याद रखोगे दोज विल बी लाइक दिस। डेफिनेशन आपको पता है, एक्चुअल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन। बट यहाँ पर याद रखने लायक है, इफ डायरेक्शन चेंजेस एटलीस्ट वंस देन डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी आता है कि डायरेक्शन चेंज होती है, तो ध्यान में रखना डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल्ड से छोटी आएगी। क्या ठीक है? दूसरा, कभी कभी आपको दिक्कत जाएगी, ये जो पार्ट है कि पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में चीजें दी हुई रहेगी। कहाँ पर दिक्कत जा सकती है कि जैसे इनिशियली ऑब्जेक्ट है कोई पॉइंट पी पर एंड देन इट इज एट फाइनल पॉइंट कोई तो क्यू। और इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन, वाई वन, जेड वन, और इसके है एक्स टू, वाई टू एंड जेड टू। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? दीज आर पोजिशन वेक्टर्स आर वन, आर टू, और ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है आर बार। सो आप यहां पर कहोगे If position is given in terms of position vector, तो आप कहोगे displacement is will be क्या आने वाली है यहां पर? टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ठीक है? तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चंस में आएगा और ये हमें पता होना चाहिए। फिर हम थोड़ा और आगे जाते हैं। देर आर सर्टन बेसिक फॉर्मूले, तो जैसे एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट विल बी टोटल डिस्टेंस इट विल बी ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज स्पीड को आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो हम टिपिकली उस केस में फंसते हैं। कौन से केस में फंसते हैं?
वो क्वेश्चन आता है कि आधा डिस्टेंस कवर किया विद स्पीड v1 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ इज कवर्ड विद स्पीड v2 60 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड बता दो और आप v1 प्लस v2 बाय 2 करोगे तो आप फंसोगे, ठीक है। वहां पर एवरेज स्पीड इस प्रकार से निकाली जाती है। याद आया क्या वो क्वेश्चन रेहायना? यस सर। हाँ, और यहाँ पर एवरेज एवरेज स्पीड क्या आती है? यह आएगी 2 टाइम्स v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये वो टिपिकल केस है, ठीक है। अदरवाइज फिर अगर ज्यादा पार्ट्स आते हैं तो यहाँ पर एवरेज स्पीड को आप फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकाल सकते हो। क्या सही है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। सो इसके बाद फिर दूसरा पार्ट हमें ध्यान में आना चाहिए, वी इंस्टेंटेनियस। इसको आप लिखते हो dx by dt rate of change of position, या आप इसे देते हो position vector dr by dt, ठीक है। हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और हम यहां पर कहेंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दैट इज वी माइनस यू बाय टी। अब ये देखो, हाँ, दिस इज एवरेज एक्सीलरेशन ओवर द पीरियड डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस के लिए आप लिखोगे, इंस्टेंटेनियस के लिए ये टाइम जीरो होगा, यू विल राइट इट एज डी वी बाय डी टी। और वेलोसिटी को अगर आप इस प्रकार से लिखते हो तो ये आ जाएगा डी डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर। एक्स की जगह आर लिखा तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक में हमने आर रहेगा। क्या सही है? पक्का? यस सर। ओके, अब सवाल आ जाता है, जब हमारी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रहेगी तो क्या होगा? ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन तो आप कहोगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी विल बी u प्लस v बाय 2। कौन से केस में? दिस इज टिपिकल केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या सही है? और अगर ऐसा है तो फिर आप लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो? हमारे सभी रिलेशन मैं वो नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं। ठीक है, एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट रहेगा। सो देखो, अगले पेज पर जाएंगे, वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। For uniformly accelerated motion, क्या लिख सकते हैं हम? Acceleration
which is dv by dt, ये कांस्टेंट रहेगा. अगर ऐसा है तो यू कैन राइट v एवरेज इक्वल टू u प्लस v बाय 2. और फिर ऐसे केस में आप आपके टिपिकल रिलेशन लिख सकते हो. कौन कौन से? सो यू कैन राइट फर्स्ट रिलेशन एज v इक्वल टू u प्लस at. ठीक है. दूसरा आप लिख सकते हो, ये वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्सीलरेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इसका दूसरा भी रिलेशन आप कभी कभी यूज करोगे, विच विल बी एस इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू इंटू टी, वी एवरेज इंटू टी. क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है. और दूसरा, तीसरा रिलेशन हमारे पास है. कौन सा है तीसरा रिलेशन? वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस वाइस ए एस. ठीक है, यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव किया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एनएच सेकंड. क्या होता है वो? याद है क्या? एस एनएथ, यह आएगा आपका यू प्लस a by 2 into 2n minus 1 in free fall u equal to 0, then you will write s n f equal to g by 2 into 2n minus 1. और फिर आपको वो रेशियो याद होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड इज टू 2 सेकंड इज टू 3 सेकंड. ये आ जाता है 1:4:9:16:2 एंड सो ऑन. एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, ये वाला ये आ जाएगा 1:3:5:7:2 एंड सो ऑन. क्या सही है? दीज आर इक्वेशन रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. ये हमें पता होने चाहिए. क्या सही है? यस सर. ओके, अब देखो एक पार्ट हमें ये भी पता होना चाहिए. On our VT graph, velocity time का graph, ठीक है? Area under the curve क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व देने वाला है डिस्प्लेसमेंट. ऑन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एरिया अंडर द कर्व ये देने वाला है चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, ये पार्ट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सर आपने ये क्या लिखा? सर देखो ये जो हमारे ग्राफ है,
इन जनरल लिख रहे हैं, सो मैं ग्राफ नॉट नेसेसरी दिस इज वीटी ग्राफ एरिया अंडर द कर्व, मतलब ऐसा पार्ट आ जाएगा। So, ये है एटी ग्राफ। सो एरिया अंडर द कर्व मतलब इंटीग्रेशन है, हाँ ठीक है। सो इंटीग्रल ए डी टी ये आने वाला है चेंज इन वेलोसिटी। या वी टू माइनस वी वन, यहां पर इंटीग्रल वी डी टी ये आने वाला है चेंज इन पोजिशन x2 माइनस x1, और एरिया अंडर द कर्व मतलब ये इंटीग्रेशन होता है। नाउ यू कैन अप्रिशिएट दिस थिंग क्योंकि आपने मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ा है। क्या सही है क्या? सो ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट, that is change in position, this is change in velocity. Clear? Yes, sir. Okay, बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट हमें नोट डाउन करना चाहिए। अगर मेरे ये तीन चीजें हैं, ये तीन सीक्वेंस में है, कौन कौन? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अगर ये आर से दिया जाएगा तो आप वेलोसिटी को लिखोगे डी आर बाई डी टी एंड एक्सीलरेशन को लिखोगे डी वी बाई डी टी। मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं पूछने के लिए। इसका एग्जैक्टली अपोजिट आप लिखते हो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी, और चेंज इन पोजिशन इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, ठीक है। सो मतलब अगर आपको एक्सीलरेशन से वेलोसिटी के तरफ जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो यू हैव टू इंटीग्रेट। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है ये। अब देखो, अब थोड़ा जो पार्ट अपने को बहुत अच्छा नहीं लगता है पर उनके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट वी हैव डिफरेंट ग्राफ्स। सो पहला ग्राफ कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का। सो बता दो मुझे क्या एक ही ग्राफ पर सभी चीजें करें क्या?
So first we are talking about uniform motion. बहुत बार ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसे रहेगा? सर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कांस्टेंट रहेगा क्योंकि विद टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है. बिल्कुल सही है. पोजीशन टाइम का ग्राफ कैसे रहने वाला है? तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी. तो दैट ग्राफ विल बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. पोजीशन टाइम एक्स टी. क्या सही है? तो देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं. ये डिफरेंशिएशन किया तो क्या होता है? डिफरेंशिएट किया तो ग्राफ की डिग्री एक एक से कम होती है. ठीक है. इंटीग्रेट किया तो क्या होता है? ग्राफ की डिग्री एक एक से बढ़ती है. ग्राफ की डिग्री मतलब क्या कहना है सर? तो ध्यान में रखना, अगर अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मतलब क्या, देयर इज सम इक्वेशन जहां पर एक्स और वाई वेरी हो रहे हैं. ठीक है. ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा. तो यहां पर क्या होगा, जब वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, सो इसका मतलब वाई इक्वल टू कोई तो कांस्टेंट इनटू एक्स टू द पावर जीरो. हाँ सर, बिल्कुल सही. सो ये वो ग्राफ है जहां पर इक्वेशन की डिग्री जीरो रहेगी. सो देखो ये जीरो वाला ग्राफ इस प्रकार से रहने वाला है हॉरिजॉन्टल में. जब x की पावर वन है, इसके साथ बाकी कुछ भी रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, प्लस कांस्टेंट ऐड हो सकता है. ये ग्राफ इस प्रकार से इंक्लाइंड लाइन रहेगी. और जब इक्वेशन इस प्रकार से स्क्वेयर रहेगा तो जनरली ये इस प्रकार से बढ़ने वाली कर्व रहती है. क्या सही है? हम इसे सेकंड ऑर्डर कर्व कहेंगे. आप इसे फर्स्ट ऑर्डर कर्व कह सकते हो. एंड दिस इज जीरो एथ ऑर्डर कर्व. ठीक है. इस प्रकार से ये तीन कर्व रहती है. सो देखो अब मैं जो बात कह रहा था वो सेंस करेगी. जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो पावर एक से कम होगी, और जब आप इंटीग्रेट करते हो तो पावर एक से बढ़ेगी. सो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के तरफ जाना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के तरफ जाना है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है या डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा? सर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. डिग्री एक से बढ़ती है, इसलिए वेलोसिटी की डिग्री अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ की डिग्री वन रहेगी. वो इस प्रकार की लाइन रहेगी. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. ग्राफ के क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है. एंड ये सभी ग्राफ के क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल है. ठीक है. ये हो गई यूनिफॉर्म मोशन. अब लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन.
देखो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए शायद से मुझे और एक ग्राफ निकालना पड़ेगा, विच विल बी एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ। अब यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन वो मोशन है जहां पर हमारा एक्सिलरेशन कांस्टेंट रहता है। सो एक्सिलरेशन का ग्राफ इस प्रकार से रहेगा। एक्सिलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जाते हो तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, इस ग्राफ की डिग्री 1 से बढ़ेगी। आइदर ये ग्राफ ऐसा रह सकता है या ये ग्राफ ऐसा रहेगा। ये वो ग्राफ है जब t इक्वल टू जीरो पर u जीरो है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी। ये वो ग्राफ है जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, v इक्वल टू u प्लस एटी वन। और यहां से पोजीशन के तरफ जाने के लिए आपको और एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमारा ग्राफ इस प्रकार चलेगा। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ये ग्राफ रहेगा एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वेयर का, ये ग्राफ रहेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर का। ये जल्दी जल्दी बढ़ेगा क्योंकि इसमें एक फैक्टर ऐड हो रहा है, क्या ठीक है? यस सर। पक्का? बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अब कौन सी मोशन है? सो ये मोशन है जहां पर स्पीड बढ़ रही है। अगर रिटार्ड होने वाली मोशन रहेगी तो क्या होगा? इसे इरेज ना करते हुए मैं दूसरे पार्ट पर लिखता हूं। यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन से देखो यूनिफॉर्म है मतलब रिटार्डेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव? सर एक्सीलरेशन नेगेटिव रहता है, दिस इज माइनस के। अगर ऐसा है तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? सर वेलोसिटी कम होने वाली है। एक पॉइंट आ जाएगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी जीरो हो गई, अब वेलोसिटी निगेटिव हो रही है। वेलोसिटी निगेटिव हो रही है इसका मतलब क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी निगेटिव हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सो ध्यान में रखना, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मस्ट स्टॉप फॉर एन इंस्टेंट दैट इज वेलोसिटी बिकम्स जीरो when it changes sign।
एंड चेंज इन साइन ऑफ वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस. आया क्या ध्यान में? चेंज इन साइन ऑफ वेलोसिटी मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस. मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है. इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हुई है, यहां पर वेलोसिटी जीरो है, इसके ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसके नीचे वेलोसिटी निगेटिव है. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये पार्टिकल जो शुरुआत में राइट में जा रहा था, एक पॉइंट पर रुकेगा, यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, निगेटिव वेलोसिटी मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा. क्या सही है क्या? अरे हाँ या ना? यस सर. ये पक्का ध्यान में रहना चाहिए. क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली ये चीजें बताई जाती है. तो सर इस केस में ग्राफ कैसे रहेगा? देखो वेलोसिटी कम हो रही है बट ये पॉजिटिव है. वेलोसिटी की वैल्यू मतलब ये स्पीड कम हो रही है. पहले 50 की थी, फिर 40 की हुई, फिर 30 की हुई. क्या ऑब्जेक्ट ने आगे जाना बंद किया क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट तो आगे ही जा रहा है. इसका मतलब ये ग्राफ इस प्रकार से रहेगा. वेलोसिटी जीरो हो गई, अब वेलोसिटी निगेटिव हो गई, इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी. अभी तक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे आना शुरू करेगा. क्या सही है? इसका ये हमारा मतलब होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना या वेलोसिटी का साइन चेंज होने का. पहले ये इस प्रकार से ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे आने लगे. ठीक है. ये आपने देखा है, ये कहां पर देखा है आपने? सर ये पार्ट हमने हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा है. क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है. चलो अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं और कुछ चीजों को याद कर लेते हैं. सर कौन से चीजों को याद कर ले? हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन को याद कर लेते हैं. ठीक है. पहले चैप्टर में इतना ही पार्ट है जिसके ऊपर अच्छे से सवाल पूछ सकते हैं. बाकी तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता है. डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, एवरेज एक्सीलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, देन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, उसकी इक्वेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ये सभी पार्ट हमने देख लिया एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशन है. क्या सही है? Yes, sir. Okay. So let's talk about थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में. So प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको दो तीन चीजें पता है. क्या क्या होता है मेनली यहाँ पर? बोलो.
This is path of projectile. इसका इक्वेशन मतलब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप पैराबोलिक रहेगा. यहां पर आप इसे इनिशियल वेलोसिटी कुछ यू से फेंकोगे, इसके दो कंपोनेंट आप कंसीडर करते हो, यू एक्स, दिस थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये कॉन्स्टेंट रहता है एंड दैट्स वाई दिस इज पार्ट विच फॉलोज यूनिफॉर्म मोशन के रूल. और ये वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, अब वर्टिकल डायरेक्शन में एसिलरेशन रहता है जी विच इज ऑलवेज इन डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ये पार्ट रहेगा यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन का. हमेशा ध्यान में रखना, इतना अगर ध्यान में रहा ना आपका, दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू मोशन. आप इसके सभी क्वेश्चंस कर पाओगे. एट टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सी कंडीशन है? ये मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, दिस इज एच मैक्स. और आपको ध्यान में रहना चाहिए एट दिस पॉइंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगी वी एक्स विच विल बी यू कॉस थीटा, वी वाई विल बी जीरो. और ये जितने एंगल से गया था उतने ही एंगल से वापस भी आता है. ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो जब ये वापस आएगा तब भी जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया रहेगा दैट एंगल विल बी थीटा वेलोसिटी का. सिर्फ अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना का उतना ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी माइनस ऑफ यू वाई. ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही रहेगा. क्या सही है? यस सर. ओके, अगर ऐसा है तो फटाफट कुछ रिलेशन लिख लेते हैं. कौन कौन से रिलेशन पता है आपको? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये क्या आता है? देखो इसके सभी डेरिवेशन जो है वो ये दो मोशन के कॉम्बिनेशन करके हमने निकाले हैं. तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g इंटू x स्क्वेयर या g अपॉन टू u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा इंटू x स्क्वेयर. ठीक है, ये हमारे ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है. दूसरा कौन सा इक्वेशन है? दूसरा इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये कितने समय हवा में है. सो ऊपर जाने के लिए का समय आप निकालते हो और फिर कहते हो ऊपर जाने के लिए जितना समय है उतना ही समय नीचे आने के लिए रहेगा. ऊपर जाने का समय कितना रहेगा? सो ये यू वाई जो वेलोसिटी है ये जीरो होनी चाहिए. ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ जीरो कहते हो, इनिशियल वेलोसिटी को यू वाई कहते हो एंड माइनस जी टी कहोगे.
सो टी की वैल्यू आ जाएगी यू वाई अपॉन जी, और इसका ट्वाइस मतलब दिस विल बी टू टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन जी। यू वाई की वैल्यू है टू यू साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। इस इक्वेशन से निकाला है पी इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो आप रेंज निकाल लेते हो। व्हाट इज रेंज? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को रेंज कहा जाएगा, ये रेंज रहती है। जितने समय हवा में है उतने समय ये ux वेलोसिटी से आगे जाते रहेगा, ठीक है, उतने समय ये ux वेलोसिटी से आगे जाते रहेगा। सो रेंज r विल बी ux into time of light, that is 2 times ux into uy upon g equal to ux की वैल्यू है u cos theta into uy की वैल्यू है u sin theta upon g 2 times sin, ये u square sin 2 sin theta cos theta, ठीक है, u square लिखा आपने, 2 sin theta cos theta को आप साइन टू थीटा भी लिखते हो। और फिर आपको पता है ये मैक्सिमम कब रहेगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और जी फिक्स रहता है। साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम साइन 90 के लिए रहती है, मतलब टू थीटा इक्वल टू 90, मतलब आर मैक्स की वैल्यू तब आएगी जब थीटा इक्वल टू 45 रहेगा। क्या याद आ गया? ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गई, अब क्या बाकी है? हाइट, एच मैक्स का रिलेशन बाकी है। सो एच मैक्स कैसे निकालते हो? मैक्सिमम हाइट कहां तक जाओगे? अगेन वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो एच मैक्स मतलब फाइनल वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू एस। ये फाइनल वेलोसिटी जीरो है, ये यू वाई का स्क्वायर आ जाएगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस टू जी एच। सो एच इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, h इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर अपॉन टू जी। सो ये बन गया u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी। अब h मैक्स कब होगा? जब थीटा साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, और ये तब रहेगा व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, दैट इज 90 डिग्री। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को वर्टिकल फेंकोगे तो एच मैक्स विल बी मैक्सिमम, बट देखो अगर आपने इसे वर्टिकल फेंका तो यह ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा, सीधा नीचे आएगा। इन दिस केस रेंज विल बी जीरो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है, फॉर द केस ऑफ मैक्सिमम रेंज ठीक है, देखो आर का रिलेशन है यू स्क्वेयर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। सो रेंज मैक्सिमम रहेगी एट थीटा इक्वल टू 45, आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वेयर अपॉन जी, इस केस में एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टू जी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वेयर 1/2, सो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर अपॉन 4 जी।
बट यू स्क्वेयर अपॉन जी मतलब आर मैक्स है, सो एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स अपॉन फोर. कौन से केस के लिए लिखा है? फॉर द केस व्हेन द रेंज इज मैक्सिमम. जब रेंज मैक्सिमम रहेगी तब ये आपको निकालना पड़ेगा. क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है. सो अब एक छोटा सा पार्ट है जहां पर आप किसी टॉप से एखादे प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो. इस प्रोजेक्टाइल को आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंका होगा. ठीक है. सो इसकी वेलोसिटी अगर u है और ये h इस हाइट से आपने फेंका है, सो अगेन दिस विल बी मोशन इन टू मोशन इन प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशनल. टू डायमेंशनल मोशन रहेगी जहां पर ये कितना आगे जाएगा, तो ये आगे जाएगा u इंटू टाइम ऑफ लाइट. ठीक है. और यहां पर आप टाइम ऑफ लाइट कहोगे. इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सो यू इस स्पीड से जीरो इस इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ा है, एच इतना डिस्टेंस नीचे आ रहा है, तो आप कहोगे वी इक्वल, वी की तो वैल्यू जरूरत नहीं है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर. यू की वैल्यू जीरो है, सो टाइम आ जाएगा टू एच अपॉन जी का रूट. ठीक है. सो इसका टाइम ऑफ लाइट रहता है अंडर रूट टू एच अपॉन जी. क्या क्लियर? यस सर. देखो दोनों मोशन को साइमल्टेनियसली डिस्कस करके आपको लिखना पड़ेगा. और हॉरिजॉन्टल रेंज इस केस में आप लिखोगे जैसे कहा है, r इक्वल टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट. ठीक है. और देखो इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन v will be u plus gt. u zero है, so v equal to gt. so अगर आप कोई instant के बारे में बात करोगे तो यहां पर ये वेलोसिटी रहेगी u, ये रहेगी gt. और फिर आप कहोगे इस वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल के साथ किया हुआ एंगल रहेगा थीटा. कितना रहेगा ये? तो आप यहां पर कहोगे tan थीटा इक्वल टू जी टी अपॉन यू, दैट इज थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ जी टी अपॉन यू. ठीक है. दिस इज एंगल मेड बाय वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट विथ हॉरिजॉन्टल. वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी इंस्टेंट पर किया हुआ एंगल रहने वाला है.